नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। देहरादून में देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में दो छात्रों की दर्दनाक मौत होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक देर रात एक डंपर और कंटेनर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसकी चपेट में आने से दो छात्रों की मौत हो गई और एक छात्र हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। बहरहाल मामले की जानकारी पुलिस को दी जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहनों की सड़क से हटवा दिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल पूरा मामला सेलाकुई मुख्य बाजार का है, जहां देर रात डंपर और कंटेनर में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन छात्र इसकी चपेट में आ गए। इस दौरान सड़क हादसे में दो छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं एक छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि हादसे के समय तीनों छात्र सड़क पर पैदल जा रहे थे। इस दौरान 19 साल का मृतक मनीष लखनऊ हाल निवासी बाया खाल सेलाकुई में किराएदार था, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं 20 साल का शाहजहांपुर निवासी मृतक विशाल त्रिपाठी भी सेलाकुई में किराएदार था। जानकारी के मुताबिक मृतक विशाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं टिहरी निवासी 19 साल का प्रियांश हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपको बता दें कि तीन छात्र हादसे के दौरान सड़क पर पैदल चलते हुए हादसे का शिकार हुए थे, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं हादसा इतना भीषण था कि डंपर और कंटेनर दोनों के ही पर खच्चे उड़ गए और टक्कर इतनी भीषण थी कि कंटेनर जाकर पेड़ से टकरा गया। हालांकि दोनों वाहनों को सेलाकुई थाना पुलिस ने सड़क से हटवा दिया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।